मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के जोर तोड़ से शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में बीजेपी की सरकार तो बन गई। तमाम कवायदों के बाद किसी तरह से शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया है, लेकिन चार दिन के बाद भी मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं हो सका है। माना जा रहा है कि विभागों के बंटवारे में सिंधिया अपने समर्थक मंत्रियों को अहम विभाग देने की डिमांड कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विभागों को लेकर अंतिम निर्णय लेने से पहले रविवार को दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की। इसके पहले शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ भी बैठक की थी। माना जा रहा है कि सोमवार को दिल्ली प्रवास से लौटने के बाद शिवराज सिंह चौहान अपने कैबिनेट में मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करेंगे। दरअसल कमलनाथ सरकार में सिंधिया खेमे के पास स्वास्थ्य, राजस्व, महिला एवं बाल विकास, स्कूल शिक्षा, परिवहन, श्रम और खाद्य विभाग थे। बताया जा रहा है कि सिंधिया ये विभाग अपने समर्थकों को दिलाने जा रहे हैं। सिंधिया अपने समर्थकों को दिलाने की जुगत में लगे हुए हैं। इन विभागों के अलावा कुछ अन्य अहम विभागों पर भी सिंधिया और उनकी सहयोगी मंत्रियों की निगाहें हैं। बता दें कि शिवराज सिंह ने अपनी कैबिनेट में 28 नए चेहरे शामिल किए हैं। इन चेहरों में से 12 सिंधिया खेमे के हैं। न्यूज डेस्क।